तो सरकार जीएसटी लागू करने के लिए कमर कस चुकी है, लेकिन टेलीकॉम कंपनियां मुश्किल में हैं। टेलीकॉम कंपनियों की चिंता है कि अगर जीएसटी में उनके हितों का ध्यान नहीं रखा गया तो उन्हें केवल नुकसान ही नहीं उठाना पड़ेगा बल्कि काम करना भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। देखिए रिपोर्ट। 1 जुलाई से लागू होने वाले जीएसटी से पहले टेलीकॉम सेक्टर की दुविधा बढ़ गई है। टेलीकॉम कंपनियां 22 अलग अलग लाइसेंस के साथ 22 सर्किल में काम करती हैं। जीएसटी में उन्हें अलग अलग राज्यों के अधिकार क्षेत्र के अंदर टैक्स देना पड़ेगा, लिहाजा कंपनियां सरकार से खुद को बैंक की तरह दर्जा देने की मांग कर रही हैं। दरअसल सरकार टेलीकॉम कंपनियों को सर्विस एरिया का लाइसेंस जारी करती है। मसलन दिल्ली सर्किल के ग्राहक उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सेवाएं पाते हैं। कंपनियां सर्किल के हिसाब से लाइसेंस फीस चुकाती हैं, लेकिन जीएसटी के अंदर इनको तीनों सर्किल में ग्राहकों के मुताबिक अलग अलग टैक्स चुकाना होगा, जो कंपनियों के लिए मुमकिन नहीं है। लिहाजा कंपनियां चाहती हैं कि सरकार उन्हें बैंक की तरह प्राथमिकता दे। बैंकों की ब्रांच अलग अलग राज्यों में होती है, लेकिन रेवेन्यू पर एक ही जगह पर टैक्स लगता है। कंपनियां चाहती हैं कि सरकार उन पर भी बैंक की तरह टैक्स लगाए। जीएसटी लागू होने से सर्विस टैक्स का रेट 15% से बढ़कर 18% होने की उम्मीद है। कंपनियां चाहती हैं कि टेलीकॉम सेक्टर को जरूरी सेवाओं का दर्जा देते हुए सरकार उन पर 12% टैक्स लगाए। टेलीकॉम कंपनियों की ये भी मांग है कि सरकार उन्हें सिंगल रजिस्ट्रेशन की सुविधा दे और खुद को दी जाने वाली सेवाओं पर टैक्स नहीं लगे। सरकार को अभी इस पर अंतिम फैसला लेना है, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों के लिए जीएसटी की राह आसान नहीं होगी। असीम मनचंदा, जी मीडिया, दिल्ली।